दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद है जो अपने आप में कई रहस्यमय समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है इजिप्ट और वहाँ की पिरामिड। दोस्तों, इजिप्ट की सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। वैसे तो यहाँ के पिरामिड का इतिहास 4000 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़ी कई रहस्यमय है जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं पता। तो आइए आज हम इस वीडियो में इजिप्ट की पिरामिड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, बताया जाता है कि गीजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कूफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इसलिए क्योंकि इस पिरामिड को प्राचीन इजिप्ट के राजा कूफू के शव के संरक्षण के लिए बनवाया गया था। गीजा के पिरामिड की ऊंचाई लगभग 450 फीट है और ये 13 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इजिप्ट का इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन लगभग 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम बताया जाता है। इन पत्थर में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसी क्रेन से करीब 20,000 किलो तक ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय पर 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाया होगा, ये आज भी प्रॉपरली किसी को पता नहीं है। बताया जाता है कि गीजा के अंदर इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रण में रहता है, चाहे बाहर जैसे भी मौसम हो। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे इजिप्ट की सबसे अनोखी मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, जो करीब 4000 साल पहले बनाया गया था।